हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन इन वन शॉर्ट वीडियो, और इसके साथ ही साथ बात करने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो आने वाला है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस से कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सिलेबस में सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें क्या है आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। और फिर उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगा। फिर उसके बाद वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ये तो रहा सिलेबस। और टोटल मार्किंग स्कीम कितनी आएगी, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि चैप्टर वन और चैप्टर टू से होगा, ठीक है। चैप्टर वन रिलेशन एंड फंक्शन और चैप्टर टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार आने वाला है। और अब बात कर लेते हैं रिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम दो नॉन इम्पर्टी सेट लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पर्टी सेट, ए एंड बी क्या है, टू नॉन इम्पर्टी सेट है, ठीक है। देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कहां से, सेट ए से सेट बी, इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी, इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी, ठीक है, ये रिलेशन का डिफिनेशन है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमें क्या पढ़ना है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड, इसे हम कब रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, इसे कब हम सिमेट्रिक बोलेंगे, इसे अब कम ट्रांजिटिव बोलने वाले हैं। तो अभी तो फिलहाल डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर एक एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे कि कब हम, कैसे हम इसको रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, कैसे हम सिमेट्रिक दिखाएंगे, कैसे हम ट्रांजिटिव दिखाएंगे किसी भी रिलेशन को। तो देखिए इसमें क्या कहता है, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी ए इन सेट ए, ठीक है। तो देखिए इसके कहने का ये मतलब है, जहाँ भी आपका ए कंडीशन है फॉर एवरी, तो उस केस में आप सेट के पास जाएंगे, देखेंगे सेट में जितने भी एलिमेंट है, मान लीजिए कि सेट में हमारे पास 1, 2, 3 ए एलिमेंट है, तो देखेंगे क्या वन हमारे पास इसका डबलेट है, इसका डबलेट, जितने भी एलिमेंट है सबका डबलेट होना कंपलसरी है। अगर जितने भी सेट में एलिमेंट है सबका डबलेट है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं सिमेट्रिक। तो देखिए सिमेट्रिक में क्या है, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी उसी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो बी ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, ए इसका इनवर्स है, ठीक है। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है और उसका रिलेशन, उसका इनवर्स भी उसी रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक। फॉर ऑल, क्या यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फॉर एवरी है, यहाँ पर फॉर ऑल है, तो फॉर एवरी के केस में हम सेट में देखेंगे, कहाँ देखेंगे सेट में, कि जितने सेट में मेंबर है क्या सबका डबलेट है, अगर सबका डबलेट है तो ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। और फॉर ऑल के केस में हम रिलेशन में देखेंगे, फॉर ऑल के केस में हम रिलेशन में देखेंगे, जो भी ऑर्डर्ड पेयर है क्या उसका इनवर्स भी उसी रिलेशन में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्रिक। अब फिर बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। तो देखिए ट्रांजिटिव में क्या है कि इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो देखिए यहाँ पर एंड वाले को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ए बी रिलेशन में बिलोंग करे और बी सी बिलोंग करे, तो उस केस में हम ए सी को खोजेंगे, अगर ए बी बिलोंग करे और बी सी बिलोंग करे, तो उस केस में हम ए सी को खोजने वाले हैं। अगर हमारे पास ए बी सिर्फ है, बी सी है ही नहीं, तो हम सीधे बोल देंगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर ए है, ए बी है, बी सी है, तो उस केस में हम ए सी को खोजेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम ए सी को नहीं खोजेंगे, सीधे बोल देंगे भाई ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव है। इस केस में भी देखिए यहाँ पर भी आया फॉर ऑल, इन दोनों में आया फॉर ऑल, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में आया फॉर ऑल। तो फॉर ऑल के केस में आप कहाँ देखेंगे, रिलेशन में देखेंगे, और फॉर एवरी के केस में आप सेट में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको और क्लियर करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव देखते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो देखिए अब बात कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ
आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एक एग्जांपल से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझते हैं। देखिए हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। तो देखिए पहले के लिए बात करना है कौन कौन सा हमारे पास है। कुछ हमने टोटल 5 रिलेशन लिखे, देखना है कि कौन कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कौन कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये पहले वाले रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव केस में हमने बताया था कि जितने भी सेट में मेंबर होंगे सबका डबलेट होना चाहिए। सबका डबलेट होगा तभी हम क्या बोलेंगे कि ए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए 1 का डबलेट 1, 1, 2 का डबलेट 2, 2, 3 का डबलेट 3, 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड में आते हैं तो 1 का डबलेट 1, 1, 2 का डबलेट 2, 2, 3, 3 यहाँ पर, ये तो ये भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमिलरली 3 में आइए तो 1, 2, 3 सब ये मिल रहा है तो रिफ्लेक्सिव हो गया। इसमें आइए, देखिए इसमें 1, 1 है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 2, 2 नहीं है, अब 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 ऑर्डर 2, 2 नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसमें देखिए 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो ए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक केस में हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिक केस में हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास रिलेशन में है, जो भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है, क्या सबका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सबका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक। तो देखिए 1, 1 का इनवर्स 1, 1 होगा, 2, 2 का इनवर्स 2, 2 होगा, 3, 3 का इनवर्स 3, 3 होगा। अब किसी को कन्फ्यूजन होता है, देखिए मान लेते कि 1, 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक, इसको ए मान लिया, इसको हमने बी लेट कर लिया। अब इनको ट्विस्ट कर दीजिए तो ए 1, 1 ए बी होगा, ए हो गया। ठीक है, ए बी तो रिलेशन में ही है, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का कंडीशन क्या है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो ये इम्प्लाइज करेगा कि ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी रिलेशन में ही होगा, मतलब इसका इनवर्स भी रिलेशन में होगा। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखिए पहला वाला सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, पहला वाला हमारे पास क्या होगा, पहला वाला रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। तो लीजिए चलिए इस पर टिक कर देते हैं। अब आते हैं सेकेंड, तो देखिए इसका इन्वर्स सही होगा, इसका इन्वर्स सही होगा, इसका इन्वर्स सही होगा, लेकिन 1, 2 का इन्वर्स 2, 1 होगा, जो कि कहीं दिख नहीं रहा है इसमें रिलेशन 2 में, 2, 1 कहीं नहीं, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड की बात कर लेते हैं, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 1, 2 है, 2, 1 है, इसका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ये नंबर 4 की बात कर लेते हैं, देखिए 1, 2, 2, 1 मतलब दोनों का रिलेशन इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें मतलब ये भी हो जाएगा। अब इसमें आइए तो 1, 1, 2, 2, 1, 2, ठीक है, देखिए 2, 3 का इन्वर्स 3, 2, 3, 2 का इन्वर्स 2, 3, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव की बात। तो देखिए इसके लिए देखें इसका ए बी बी सी ए सी सब यही हो जाएगा, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, जैसे हमने दिखाया था रिफ्लेक्सिव केस में, जैसे हमने दिखाया था सिमेट्रिक केस में, वैसे ट्रांजिटिव केस में हो जाएगा कि आपने ए बी को क्या लिया, 1, 1 ले लिया बिलोंग कर रहा रिलेशन में, एंड बी सी इसको भी 1, 1 ले लिया, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी भी तो 1, 1 हो जाएगा, जो कि रिलेशन में अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव पर टिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक तो ट्रांजिटिव हमने ऊपर ही देख लिया, अब इसके बारे में क्या ख्याल है 1, 2। तो देखिए 1, 2, 2, 1 फिर कितना 1, 2, तो 1, 2 हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से है और 1, 2 है, कहीं भी मतलब ए बी बी सी ए सी, तो मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ तक तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, इसमें देखिए ए बी ए बी बी सी ए सी इसके लिए है। अब इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के लिए देखते हैं, ए बी बी सी 2, 2 ए सी, या फिर ए बी बी सी ए सी, ठीक है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए, तो देखिए ए बी बी सी ए सी 1, 1 तो अवेलेबल है, लेकिन अब यहाँ से देखिए इसको हमने ए बी मान लिया और इसको हमने ए बी इसको बी सी मान लिया, तो ए सी में क्या मिलना चाहिए था, 2, 2, तो 2, 2 कहीं इस रिलेशन में हमें दिख नहीं रहा, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि हमने ए बी इसको ले लिया, बी सी इसको ले लिया, तो ए सी हमें नहीं दिख रहा, 2, 2 ऑर्डर्ड पेयर 2, 2 नहीं दिख रहा, इसलिए क्या कर देंगे, इसको नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था
कि आपको रिफ्लेक्सिव के केस में सेट में देखना है और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव केस में आपको रिलेशन में देखना है। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। तो यहाँ तक तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी दोनों है। अब देखिए यहाँ से देखिए, ए बी वन टू टू थ्री, ए बी बी सी, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, ए बी हो गया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, तो बी सी हो गया। अब ए सी मतलब वन थ्री, वन थ्री कहीं नहीं, इसलिए नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए फिर इसके बाद आती है इक्विवेलेंस क्लास की। तो देखिए पहले इसमें बात करेंगे कौन कौन से रिलेशन जो है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए कौन कौन से रिलेशन है, तो जो तीनों होगा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्री भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव जो तीनों होगा उसको हम क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए ए वाला रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। सिमिलरली थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, ए बी इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, बाकी को हम इरेज करके इसी में इन्हीं दो से हम आपको बताते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं, तो चलिए आइए इनको हमने इरेज कर दिया, ख़त्म हो गए हैं जनाब। और फिर इसके बाद बात कर लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास की। तो देखिए जो इक्विवेलेंस क्लास का डिफिनेशन है, इक्विवेलेंस क्लास का जो डिफिनेशन है, इसको डिनोट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास को कुछ इस अंदाज में। ठीक है, लिखते क्या हैं, एक्स सच दैट ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो देखिए जब बोलेगा इसमें बोल देगा कि फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, हमें वन का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए वो सारे एक्स आएंगे जो रेंज में वन के साथ अटैच होंगे। ठीक है, तो देखिए रेंज में वन देखेंगे, कहाँ का रेंज में वन है, कहाँ का रेंज में वन आया है, उसके साथ जो एलिमेंट एसोसिएट है उसको हम क्या कहाँ ला देंगे, इक्विवेलेंस क्लास में ला देंगे। तो देखिए यहाँ वन है रेंज में, इसके साथ वन अटैच है, तो ये पहला आ गया वन, इसमें लास्ट में वन नहीं है, छोड़ देंगे, यहाँ भी छोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, टू। तो हमें बस कहाँ दिखना है, हमें दिखना है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को हमें लेना है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट वाले एलिमेंट को लेना है जिसका सेकेंड एलिमेंट किससे अटैच हो, वन से अटैच हो। ठीक है, अगर हमने वन का इक्विवेलेंस क्लास निकाला तो देखेंगे कहाँ कहाँ किस किस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट वन है, जिस ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट वन होगा वो कहाँ चलाएगा, क्लास में चलाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमें क्लास टू निकालना हो, ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास टू निकालना, तो हम उस केस में क्या करेंगे, देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में टू कहाँ है, मतलब सेकेंड प्लेस पर टू कहाँ है, तो यहाँ पर है तो ये आ जाएगा, तो पहला एलिमेंट आ गया टू, अब एक यहाँ है तो आ जाएगा वन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थ्री की। तो देखिए थ्री में अगर थ्री का क्लास निकालें, इक्विवेलेंस क्लास, तो कितना जाएगा, थ्री बस एक ही जगह पर है जो कि इस थ्री से अटैच है, तो थ्री का थ्री हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आए हुए हैं हर साल। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से कि क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा था वीडियो को लाइक करना ना भूले। आप लोग वीडियो को लाइक करते तो एक मोटिवेशन मिलता है कि नया वीडियो जल्द से जल्द आप तक हम पहुँचाते रहे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आया 2020 का है, 2020 का वन मार्कर क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला कि अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड इफ A1 A2 belongs to relation, A2 A1 also belongs to relation. A1 A2 belongs to relation तो implies कर रहा है कि A2 A1 also belongs to relation for all A1 A2 for all A1 A2 belongs to A. तो देखिए condition कैसा है, AB belong कर रहा है relation में, तो implies करेगा कि BA, और A इसका क्या है, inverse है, A इसका inverse है। तो जैसा कि बताया था कि अगर कोई ordered pair है और उसका inverse भी उसमें exist करता है तो ऐसे relation को हम बोलते हैं symmetric, तो ये हो जाएगा symmetric। ठीक है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डन हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन के बाद बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि लगातार तीन साल से ये क्वेश्चन आ रहा है, लगातार तीन साल से, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया। ठीक है, तो देखिए बस ये कि फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया, कि एक बार डिविजन बाई टू बोल दिया था, 19 में बोल दिया था डिविजन बाई थ्री बोल दिया था, और जो कि आपका 18 में बोल दिया डिविजिबल बाई फोर। बस क्या है कि सेट बदल दिया था, ये जो सेट है ना
ये सेट बदल दिया था, किसी में जीरो से लेकर ट्वेल्व तक नंबर दे दिया था, किसी में जैसे इसमें सिक्स एलिमेंट दिया हुआ है तो उसमें ट्वेल्व एलिमेंट दे दिया, किसी में टेन एलिमेंट दे दिया था। तो ये सभी क्वेश्चन को एक ही तरीके से डील करना है। कैसे डील करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर, सॉरी, तो पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ना भूल गया, क्वेश्चन बताने भूल गया। क्या है देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, हमारे पास एक सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है वन से लेकर सिक्स तक एलिमेंट है। कह रहा है कि गिवन बाई, एक रिलेशन हमें कुछ इस तरीके से गिवन है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई टू। ठीक है, हमें क्या दिखाना है कि इसका जो भी इसमें वही रिलेशन आएंगे जो कि टू से डिविजिबल होंगे, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें क्या दिखाना है, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या दिखाना है, हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है और ट्रांजिटिव दिखाना है। तो आइए फॉर यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं। फॉर पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव देखिए मान लीजिए कि लेट ऑर्डर्ड पेयर ए ए बिलोंग करे रिलेशन में, तो ऑर्डर्ड पेयर ए ए अगर रिलेशन में बिलोंग करेगा, अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब बिलोंग तभी करेगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आइए तो यहां से क्या इंप्लाइज होगा, यहां से इंप्लाइज होगा कि ए माइनस ए डिविजिबल बाई टू होगा, ए माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो, विच इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई टू। हमने क्या लिया कि ऑर्डर्ड पेयर अगर ए ए बिलोंग करेगा रिलेशन में तो जो डिफिनेशन दिया हुआ है उस डिफिनेशन के हिसाब से इसे रिलेशन में होना चाहिए। तो देखिए रिलेशन के हिसाब से है भी, कैसे ऑर्डर्ड पेयर हम क्या निकालेंगे इसका, मॉड ऑफ ए माइनस ए कितना जाएगा, जीरो, और किसी भी नंबर का मॉडुलस अगर जीरो है, किसी भी नंबर का मॉडुलस अगर जीरो है तो नंबर ही जीरो है तभी उसका मॉडुलस जीरो आ रहा है। तो मॉडुलस ए माइनस ए कितना जाएगा, जीरो, जो कि जीरो क्या है, डिविजिबल बाई टू है। सेम इस केस में क्या कर देंगे, डिविजिबल बाई थ्री कर देंगे और इस केस में डिविजिबल बाई फोर कर देंगे। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन हो रहा है जो कि कंटिन्यू पूछा है 18, 19, 20 में पूछा है। ठीक है, क्यों डिविजिबल बाई टू, देखिए टू बाई जीरो बाई टू कीजिए जीरो मिल जाएगा, यहाँ से भी कर दीजिए जीरो बाई थ्री कीजिए तो भी जीरो मिल जाएगा, जीरो बाई फोर करेंगे तो भी जीरो मिलेगा जो कि क्या है, डिविजिबल बाई टू, थ्री एंड फोर है। ठीक है, तो पहला यहाँ से हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफोर आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो फॉर सिमेट्रिक देखिए सिमेट्रिक केस में अगर ए भी बिलोंग करेगा तो बी ए को भी बिलोंग करना पड़ेगा कंपलसरी है। तो देखिए लेट कर लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, जब ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा था इस कंडीशन को फिर से सेटिस्फाई करेगा, तो आइए सेटिस्फाई कराते हैं। तो इंप्लाइज होगा कि a माइनस बी मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2k। अब 2k क्यों लिखा, क्योंकि बोला है डिविजिबल बाई टू। अब अगर इस क्वेश्चन 3 से आ जाएगा तो 3k लिखेंगे, अगर 4 वाला आ गया तो 4k लिख देंगे कि भाई 4k। और हाँ एक बात और, k बिलोंग्स टू होल नंबर। अब यह होल नंबर इसलिए लिया गया क्योंकि ये मॉडुलस है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए इंटीजर ना लेके हमने क्या लिया है, होल नंबर लिया है। अब यहाँ से जीरो रखिए तो भी डिविजिबल बाई टू, वन रखेंगे तो भी डिविजिबल बाई टू, थ्री रखेंगे तो भी, फोर फाइव सिक्स कुछ भी रख दीजिए सब डिविजिबल बाई टू आएगा, तब इसका मतलब आगे डिविजिबल बाई टू, इसका मतलब रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आइए फिर इसी कंडीशन को उठाते हैं। तो यहाँ से देखिए इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, हमने क्या किया इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आ गया, अब क्या होगा, ए निगेटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी माइनस ए हो गया। ठीक है, और फिर ए भी क्या, हमने तो बस लेफ्ट हैंड साइड जो भी हमें कार्यक्रम करना था हमने लेफ्ट हैंड साइड किया, राइट हैंड साइड उसको एज इट इज उसको छोड़ा हुआ है, तो चलिए ये उसको एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, अब फिर से यहाँ से माइनस बाहर खींच लीजिए, तो बस जब हम माइनस बाहर खींचेंगे तो कितना जाएगा, बी माइनस ए आ जाएगा 2k। अब देखिए जब ए बी बिलोंग कर रहा था रिलेशन में तो हम इसको लिख रहे थे मॉड ऑफ ए माइनस बी, और यहाँ कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ बी माइनस ए आ गया। तो यहाँ से हम इसको ये लिख सकते कि इम्प्लाइज बी ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। समझ में आया नहीं आया, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है वहाँ से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा था रिलेशन में तो हम इसको लिखे थे मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, और अगर फिर यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, बी माइनस ए आ गया, जब बी माइनस ए आ गया तो क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा।
ठीक है। और ये भी क्या है, डिविजिबल बाई टू है, यहाँ पे लिख दीजिए विच इज डिविजिबल बाई टू, तो चल ही रहा है ठीक है। तो देयर फोर यहाँ से कितना हो जाएगा, देयर फोर आर इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आइए बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। देखिए तीनों के लिए आपको सेम लेना है, तीनों के लिए सेम लेना है। तो देखिए फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या है? हमने बताया था कि ट्रांजिटिव जब भी दिखाना होगा आपको ऐसा एग्जांपल लेना कि ए बी भी और बी सी भी हो, उस केस में हम ए सी को खोजेंगे। तो देखिए इफ सॉरी लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टू के, क्योंकि अगर बिलोंग कर रहा है तो डिविजन बाई टू होगा ठीक है। इस केस में कितना हो जाएगा बी माइनस मॉड ऑफ बी माइनस सी, अब इसको टू के लिए इसको टू एल ले लेते हैं, ये भी डिविजन बाई टू होगा, क्यों होगा क्योंकि रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं दोनों के दोनों लोग। अब देखिए हम एक यहाँ से हम अलग से हम एक आइडेंटिटी लेते हैं ए माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी इज इक्वल टू, अब इसमें हम क्या करेंगे पी एड करेंगे और बी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। देखिए प्लस माइनस किया तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे सॉल्यूशन पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, ए माइनस बी को हम एक साथ लिख लेते हैं प्लस बी माइनस सी को एक साथ लिख लेते हैं। अब देखिए जबकि हमने बताया था जब किसी का मॉड अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो नंबर भी उस वो नंबर भी उसी से डिविजिबल होता है। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ इसकी जगह पर हम 2k लिख सकते हैं और प्लस इसकी जगह पर हम 2l लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो k प्लस l, और हाँ एक बात और यहाँ पे लिख दिया कि l एंड k बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है आपको मेंशन करना पड़ेगा कि l और k कहाँ से हम ले रहे हैं, होल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और जब दो होल नंबर को हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट में हमें क्या मिलता है, होल नंबर ही मिलता है ठीक है। जैसे 1 प्लस 2 किए तो कितना मिल गया 3, 1 भी होल नंबर 2 भी होल नंबर 3 भी होल नंबर। तो जब भी किसी दो हम होल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, होल नंबर ही मिलता है ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या ले सकते हैं ए माइनस सी इज इक्वल टू, अब इसको ले लिया 2m, वेयर m क्या है के प्लस एल इज इक्वल टू एम ऑल्सो बिलोंग्स टू होल नंबर ठीक है। के प्लस एल को हमने एम ले लिया, अब देखिए मॉडुलस ले लीजिए दोनों साइड, तो माइनस मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इक्वल टू, देखिए टू एक पॉजिटिव नंबर है तो मॉड में रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एम होल नंबर से इसलिए ए भी पॉजिटिव होगा तो 2m हो गया। अब विच इज डिविजिबल बाई टू, विच इज डिविजिबल बाई टू, सेम केस आपको 3 में करना है और 4 में करना है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव। तो आर क्या हो गया, यहाँ से ट्रांजिटिव हो गया ठीक है। तो आर यहाँ से क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो देखिए हमने कैसे कितनी आसानी से हमने दिखा दिया कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी और ट्रांजिटिव है। तो यहाँ से हम क्या हम बता सकते हैं कि देयर फोर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप समझाने में काफी हद तक कामयाब रहा हूँगा। तो आइए अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड का ही है ठीक है। तो नोट डाउन करना है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, बोला कि लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड आर बी द रिलेशन ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन एन डिफाइंड बाई ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए बी ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो देखिए इस क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखिए अभी हमारे पास क्या है, लेटर है, लेटर में हमें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे ही लेटर को हम नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर आपसे कहते कि ए प्लस बी करने के लिए और वन प्लस टू करने के लिए, तो हमें वन प्लस टू ज़्यादा ईजी लगता है,
वन प्लस टू ज़्यादा इजी लगता है, तो उसी लेटर को हम क्या करने वाले हैं अभी नंबर में कन्वर्ट करने वाले हैं, उसके बाद समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आने का आ जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, ए बी सी डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सो दैट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए तो देर किस बात की स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक से, सॉरी फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। तो पहले सबसे पहला काम कीजिए कि जो रिलेशन गिवन है उसको खींच के बाहर निकालिए, आइए इसको बाहर खींच के निकालते। तो ए बी रिलेशन टू सी डी, ठीक है। अब क्या बोला, इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। अभी क्या लिखा समझ में नहीं आ रहा, देखिए इसका नंबरिंग कर दीजिए 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर में क्यों दिया हुआ है, देखिए क्योंकि इसका जो डोमेन और को रेंज है, डोमेन और को डोमेन है, वो क्या है ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इसका मतलब जो इसमें डोमेन बनाएंगे ना, इसमें जो एलिमेंट होगा 1 1, 2 2, 3 3, कुछ इस टाइप का होगा। और सर जो को डोमेन होगा वो भी कितना होगा, कुछ इसी टाइप में होगा, 1 1, 2 2, 1 2, कुछ इस टाइप में होने वाला है। इसलिए हम यहाँ पर ए बी नहीं, हम ये नहीं दिखाएंगे ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हम ऐसे नहीं दिखाएंगे। हम जो यहाँ पर एलिमेंट लेंगे उसको भी हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही लेंगे, एलिमेंट भी क्या होगा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही होने वाला है। अब देखिए जैसे हमने इसको नंबरिंग किया, अब देखते हैं यहाँ पर 1 के साथ 1 ए है और डी 4 है, इसका मतलब ए 14 हो गया, ठीक है। अब बी को हमने मार्क किया 2 और सी को मार्क किया हमने 3, तो 23, 14 इज इक्वल टू 23 यहाँ से आ गया। देखिए अब इस वाले ट्रिक से कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव केस में हमने बोला था हमें एलिमेंट कैसा लेना है, सिंगलेटर नहीं लेना, हमें क्या लेना है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लेना है। तो देखिए लेट हम लेट कर लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए ए रिलेटेड टू ए ए, अगर रिलेट करेगा तो उस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर रिलेट करेगा तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए अगर हम मान लीजिए कि रिलेट कर गया इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए 1 को 4 दिया, इसका मतलब हमने 1 2 3 4 यहाँ भी लिखना है, एग्जाम में इसको नहीं लिखना है, एग्जाम बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। तो पहले 14 लिखना है, तो 1 के साथ 4, तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 23 बी ए, ठीक है ना। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू बी ए और ए इंटू बी ए इंटू में है, ठीक है, वो वहाँ पर इंटू के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हम चाहे 1 × 2 करें या फिर 2 × 1 करें, आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं ट्विस्ट कर देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो देखिए वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया यहाँ से, ठीक है, आ गया समझ, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की, तो देखिए सिमेट्रिक के केस में क्या करेंगे, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। तो देखिए सिमेट्रिक केस में हमें क्या दिखाना है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन में है, सॉरी ए बी बोलें, ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो सी डी भी ए बी से रिलेट करना चाहिए। तो मान लीजिए कि लेट कर लिया हमने, लेट ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, जब ए बी सी डी से रिलेट कर रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो हमें लाना क्या है, हमें लाना है कि सी डी रिलेट करेगा ए बी से, ये हमें इतना दिखाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं अगर इतना लाने के लिए, सॉरी इतना लाने के लिए हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 के साथ 4 लिखना है, इसका मतलब सी बी हो जाएगा इधर इज इक्वल टू, 2 के साथ 3 लिखना तो डी ए। तो अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए ताकि हम इसकी जगह पर हम इतना लिख सकें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सी बी है, यहाँ पर बी सी है, तो इसको हम इधर लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इम्प्लाइज करेगा, हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिए, तो बी सी इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं ए डी, या फिर से इनमें इंटरचेंज कर लीजिए, तो सी बी इज इक्वल टू डी ए। देखिए वही आ गया, तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हो रहा है, यहाँ से इम्प्लाइज हो रहा है, चलिए अब फिर वही आ जाते हैं, इम्प्लाइज करा देते हैं, इम्प्लाइज सी डी बिलोंग्स टू, सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से, सी डी रिलेट कर रहा है ए बी से, तो देयर फोर आर इज
सिमेट्रिक, नहीं कहते ना अमूल माचो, बड़ी आराम से हो गया, ठीक है ना, बड़े आराम से हमने सॉल्व करके इसको सिमेट्रिक दिखा दिया। अब बात बारी आती है ट्रांजिटिव की, तो ये ट्रांजिटिव भी दिखा के हटाते हैं, जब इतना हमने कर लिया तो ट्रांजिटिव में देर किस बात की। तो फॉर ट्रांजिटिव केस में हमें ए बी, कहते ना अगर ए बी बिलोंग करे और बी सी बिलोंग करे तो उस केस में हमें ए सी खोजना है, तो कुछ ऐसा ही हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेट कर रहा है बी सी, ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, एंड ए बी रिलेट कर सी डी से, एंड सी डी रिलेट करेगा ई एफ से, तो उस केस में हमें दिखा देना है कि ए ए बी रिलेट करेगा ए एफ से, तो कह देंगे इसको ट्रांजिटिव। तो आई इसके डिफिनेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ए डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, तो देखिए 1 2 3 4 कन्फ्यूजन हो तो बस वही नंबरिंग कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो हमें 14 को पहले लिखना है, तो इसका मतलब सी एफ रिलेट किससे कर जाएगा 23 डी ई सी, ठीक है इतना तो आ गया। अब हमें लाना क्या है, हम उस पर जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको बनाएंगे। तो देखिए हमें दिखाना है कि ए बी, ए बी रिलेट करेगा, सॉरी गलत हो गया यहाँ से, ए बी रिलेट करेगा ई एफ से, ठीक है। तो 1 2 3 4 तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ, ए इंटू एफ इज इक्वल टू 23 मतलब बी ई, ठीक है। तो हमें इतना लाना है, तो देखिए कैसे आएगा, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया, अब इनको मल्टीप्लाई कर दे, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए ए इंटू डी पहले था और ई सॉरी सी इंटू एफ और आ गया, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और बी इंटू सी पहले था और डी इंटू ई और आ गया। अब सभी क्या है, नंबर है, सभी नंबर हैं, तो हम D को D से कैंसिल आउट कर सकते हैं और C को C से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए आ गया ना, ए एफ हमें लेफ्ट हैंड साइड चाहिए था और बी ई राइट हैंड साइड चाहिए था, राइट हैंड साइड आ गया, तो यहाँ से कितना हो गया, ए एफ, ए इंटू एफ इज इक्वल टू बी इंटू ई, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो इम्प्लाइज हो जाएगा यहाँ से कि ए बी रिलेटेड टू, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, तो देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। जब आर ट्रांजिटिव हो गया तो हम क्या बोल लेंगे कि हमने रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, सिमेट्री भी दिखा दिया, ट्रांजिटिव भी दिखा दिया, तो देयर फोर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हो गया प्रूफ, आपको मिल गया 4 मार्क्स, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसी बात पर, फिर बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है और कब पूछा गया इसको भी बता दें, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि 2019 का है, ठीक है, तो नोट डाउन हो गया होगा। इसके बाद बात कर लेंगे, अपने फंक्शन की बात कर लेंगे और उस पर जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया उस पर बात कर लेंगे उसकी। तो देखिए यहाँ पर हमें एक सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1 to 6, एक सेट ए गिवन है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते, बस मेजर जो पार्ट है उसी को लिख देते हैं, ठीक है। और एक रिलेशन डिफाइंड है, हमें कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है भाई, यह डिफाइंड है ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों को दोनों सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी दोनों को दोनों सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो दिखाना है इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक मिनट, चेक करना है कि क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2019, ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखिए इसके अगर देखिए हमारे पास क्या, 1 1 डजन बिलोंग्स टू रिलेशन, क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि देखिए ए हो गया ए, ए हो गया बी, तो जैसे हम बी यहाँ पर देखिए बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है और दोनों प्लेस पर हम 1 1 रख दिया, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 इज इक्वल टू 2, क्या ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 इज नॉट इक्वल टू, देयरफॉर 1 कॉमा 1 डजन बिलोंग्स टू रिलेशन,
तब क्या होगा, 1,1 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। जब रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ से कितना होगा, देयरफॉर आर इज नॉट, यहाँ पर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, समझ में आ गया कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अब आते हैं, बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। तो देखिए, सिमेट्रिक के केस में हम लेते हैं टू, हाँ ठीक है, मान लीजिए कि टू वन, सॉरी वन टू, देखिए वन टू बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। क्यों बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, क्योंकि देखिए ए के प्लेस पर वन रखिए, बी के प्लेस पर टू रखिए। तो टू, पहले बी इज इक्वल टू ए प्लस वन लिख दीजिए, बी के प्लेस पर टू इज इक्वल टू ए के प्लस पर वन प्लस वन, तो टू इज इक्वल टू टू हो गया। इसका मतलब ए भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट टू वन डजन बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इसको भी देख लेते हैं क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है। तो देखिए, ए के प्लेस पर टू रखिए, बी के प्लेस पर वन, तो वन इज नॉट इक्वल टू, वन इज नॉट इक्वल टू टू प्लस वन विच इज थ्री, तो वन इज नॉट इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो वन थ्री के बराबर नहीं है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या दिखाना है ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें पहले ये दिखाना पड़ेगा कि ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है, तभी हम ए सी की बात करेंगे, अदरवाइज हम ए सी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा पेयर लेके चलना पड़ेगा, अगर पॉसिबल होगा मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो सीधे बोल देंगे, अगर खाली यही मिल रहा है ये नहीं मिल रहा है, सीधे बोल देंगे कि नॉट, बोल देंगे कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये ए बी लेके चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, टू वन बिलोंग कर रहा है वन कॉमा टू बिलोंग करेगा रिलेशन से, लेकिन टू वन बिलोंग कर रहा है रिलेशन से एंड टू थ्री इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, टू वन बिलोंग्स टू रिलेशन एंड टू थ्री बिलोंग्स टू रिलेशन। तो देख लीजिए यहाँ पर वन टू कैसे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हम लिख सकते हैं टू इज इक्वल टू वन प्लस वन, और यहाँ से कितना हो जाएगा थ्री इज इक्वल टू टू प्लस वन, यहाँ से कितना हो जाएगा टू इज इक्वल टू टू, यहाँ से हो जाएगा थ्री इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो क्या वन थ्री बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, क्या वन थ्री बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बट वन कॉमा थ्री डजन बिलोंग्स टू रिलेशन। अब क्यों नहीं कर रहा है रिलेशन से बिलोंग, क्योंकि थ्री इज नॉट इक्वल टू वन प्लस वन विच इज टू, तो थ्री इज नॉट इक्वल टू टू, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए, ये रिलेशन क्या है, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात कर लेते हैं फंक्शन की। तो देखिए, आइए अब बात कर लेते हैं फंक्शन की, फंक्शन क्या होता है, फिर बात करेंगे वन वन एंड नॉन टू को। तो देखिए, फंक्शन क्या है, अ रिलेशन, ए क्या है, फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, कहाँ से, सेट ए से सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ, अगर कोई रिलेशन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कितने, दो कंडीशन को, कौन कौन से, लिखा हुआ है सामने, अगर दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसे हम फंक्शन बोलेंगे। अब वो दो कंडीशन है क्या, कहते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, सेट ए हो गया, ए सेट बी हो गया, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, ए डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया। तो जितने भी एलिमेंट है सब क्या होने चाहिए, इधर के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, इधर कोई खाली नहीं होना चाहिए। अगर इधर सिंगल एलिमेंट भी खाली हो गया तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर एक सिंगल एलिमेंट भी इधर खाली हो गया तो फंक्शन नहीं होने वाला है। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो इधर जितने भी एलिमेंट है सबका यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब ये है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं हो जिसका क्या हो, दो इमेज हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कुछ इस तरीके का हमें फिगर नहीं मिलना चाहिए कि मतलब ये वन है, इसका ए पर भी चला गया और बी पर भी चला गया इमेज। ठीक है, मतलब एक बंदा एक टाइम पर एक ही जगह हो सकता है, दो जगह नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बंदा एक टाइम पर एक ही जगह हो सकता है, दो जगह नहीं हो सकता। अगर ऐसा फिगर मिल रहा है
तो नॉट फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है, ये क्या है, फंक्शन नहीं है। लेकिन दो बंदे एक टाइम पर, दो बंदे एक टाइम पर एक जगह हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब दो एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है लेकिन एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता है, तो हम इसको बोलते हैं फंक्शन। अब आते हैं कि इसको हम वन वन कब बोलेंगे। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड वन वन, ठीक है, इसे वन वन कब बोलेंगे। अब इस फंक्शन को वन वन कब बोलते हैं, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज, ठीक है, अगर कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो उसका डिस्टिंक्ट इमेज मिलना चाहिए। जैसे कि देखिए ए वन वन नहीं है क्योंकि ए और बी दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, लेकिन दोनों का इमेज सेम आ गया, दोनों का इमेज सेम आ गया, डिस्टिंक्ट हुआ नहीं। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो देखिए ए फंक्शन ए वन वन नहीं होगा, लेकिन अगर हमने ऐसे कर दे इधर वन टू दे दिया, इधर ए और बी दे दिया, सी भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए सी दे दिया, तो क्या हो गया, वन वन हो गया, ठीक है, ए वन वन हो गया। अब फिर उसके बाद ऑन टू की बात कर लेते हैं, तो ऑन टू में क्या है कि इफ फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू वाई बिलोंग्स टू बी, इफ फॉर एवरी एलिमेंट, देखिए फॉर एवरी की बात कर रहा है, जितने भी सेट बी में एलिमेंट होंगे, कितना, देखिए आर्बिट्री एलिमेंट लिया है, आर्बिट्री एलिमेंट मतलब सबके लिए वेरीफाई होना चाहिए, तो इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इन बी, ठीक है, वाई इन बी देयर एग्जिस्ट सम एक्स इन ए, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक एक्स मिलेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। कहने का मतलब है कि जितने भी को डोमेन में एलिमेंट है, को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबका एक प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑन टू। तभी थोड़ा सा पहले वेन डायग्राम से इसे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। तो देखिए ये हमारे पास सेट ए हो गया, ए सेट बी हो गया है, इधर हमने ए बी सी डी लिख दिया, इधर हमने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। तो देखिए इसका इमेज यहाँ गया, इसका इमेज यहाँ गया, इसका इमेज यहाँ, इसका इमेज यहाँ ले गया, ठीक है। ए हमने मान लिया कि फर्स्ट हमारे पास फंक्शन है, दूसरा फंक्शन यहाँ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, ठीक है, तो इसका इमेज यहाँ गया, और एक एफ भी ले लेते हैं, इसका इमेज यहाँ गया, इसका इमेज यहाँ, इसका इमेज यहाँ, इसका इमेज यहाँ, ठीक है, और इसका इमेज यहाँ भेज दिया, ठीक है। और फिर एक और ले लेते हैं, इसको सेकंड मान लिया, एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4 इधर ए बी सी, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, अभी दिल नहीं भरा है, अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से दिल भर जाएगा, ठीक है। तो इधर 1 2 3 इधर 1, इधर ए ले लेते हैं, देखिए अब इसमें बात करेंगे कौन कौन सा फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो कौन कौन सा वन वन है, कौन कौन सा ऑन टू है। आइए पहले की बात करते हैं, देखिए पहले में एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट विद सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा एलिमेंट, एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, तो दूसरा एलिमेंट देखिए ए का एक यूनिक इमेज मिल रहा है, बी का यूनिक, सी का यूनिक, डी का यूनिक, मतलब ये क्या है, फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब फंक्शन है तो देखें क्या ऐसे दो एलिमेंट है जिनका सेम इमेज मिल रहा है, तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। तो देखिए ए डिस्टिंक्ट, इसका इमेज डिस्टिंक्ट, बी डिस्टिंक्ट, उसका इमेज डिस्टिंक्ट, सी डिस्टिंक्ट, इसका इमेज, और इन सबका डिस्टिंक्ट इमेज, मतलब इसका इमेज क्या मिला, डिस्टिंक्ट मिला, इसका मतलब ये वन वन है, इसको हम क्या बोल देंगे, वन वन। अब क्या ये ऑन टू है, तो देखिए ऑन टू में देखिए यहाँ पर टू तो बिलोंग कर रहा है, टू बिलोंग कर रहा है बी में, जैसे यहाँ पर बोला ना वाई बिलोंग्स टू बी, तो टू बिलोंग्स टू बी, अगर हमने इसको सेट ए मान लिया, इसको सेट बी मान लिया, तो टू बिलोंग्स टू बी बट नो सच एक्स इन ए, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू, तो हमें एक ऐसा एक्स नहीं मिला, एक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी, सॉरी डजेंट बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो हमें कोई एक ऐसा एक्स नहीं मिल रहा है जिसका इमेज कहाँ गया हो, टू पर गया हो, या फिर ऐसा कुछ यूँ कहिए कि टू का प्री इमेज नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये ऑन टू नहीं होगा, वन वन तो होगा लेकिन ये ऑन टू नहीं होने वाला है। तो पहला इमेज हो गया वन वन, वन वन में ओके है, नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है, तो आई होप समझ में आ गया होगा वन वन ऑन टू। अब इसमें देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट विद सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, पहला कंडीशन तो यहाँ ट्रू है, दूसरा एलिमेंट एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, तो देखिए यहाँ पर बी फाइव है, फाइव की इमेज हमें सी भी मिल रहा है, और फाइव की इमेज हमें एफ भी मिल रहा है, ठीक है। तो फाइव एक ही टाइम पर दो दो जगह है,
तो 5 के इमेज हमें सी भी मिल रहा है और 5 के इमेज हमें एफ भी मिल रहा है, तो इस केस में ये फंक्शन ही नहीं है, इस केस में फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो हम 1-1 और ऑन 2 की बात भी नहीं करने वाले, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है तो 1-1 ऑन 2 की बात हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसको भूल जाइए। अब आते इसकी बात, तो देखिए यहाँ भी कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट विद सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो यहाँ 4 छूट गया है, यहाँ पर 4 छूट गया, 4 का कोई इमेज नहीं मिला है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, तो देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी सेट ए एसोसिएट विद सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट विद सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो देखिए एसोसिएट है, 1 भी एसोसिएट है, 2 भी एसोसिएट है, 3 भी एसोसिएट है, और कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज। तो देखिए 1 का एक यूनिक इमेज मिला है ए, 2 का भी यूनिक इमेज मिला है बी ए, और 3 का भी यूनिक इमेज मिला है ए, तो यहाँ से फंक्शन तो है, ए फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है। अब बात कर लेते क्या है 1-1 है, तो देखिए क्या कर रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट ए हैज़ अ डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। तो देखिए 1 और 2 दोनों डिस्टिंक्ट है लेकिन दोनों का इमेज सेम है, 1 और 2 दोनों डिस्टिंक्ट है लेकिन दोनों का इमेज सेम है, इसलिए नॉट वन वन नहीं है। अब सेकेंड एलिमेंट, तो देखिए y बिलोंग्स टू b, तो a बिलोंग्स टू b, देयर एग्जिस्ट सच सम x इन a, तो देखिए यहाँ पर एक हमें x मिल रहा है जिसके लिए क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू y, या फिर कुछ यूँ कहिए इसको, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम ये कह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज अ प्री इमेज, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज अ प्री हैज अ प्री इमेज। अगर इसका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, जितने भी इधर एलिमेंट होंगे अगर सबका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में ऑन टू कहलाएगा, या फिर हम कुछ एक यू कह सकते हैं कि अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए, अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए तो उस केस में इसे ऑन टू बोलते हैं, अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए तो ऑन टू कहते हैं। कब बोलेंगे, जब ये फंक्शन होगा, जैसे यहाँ भी देखिए कोडोमेन रेंज के बराबर हुआ था लेकिन इसे हम ऑन टू नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि फंक्शन ही नहीं है, तो पहले 1-1 और ऑन टू होने के लिए फंक्शन होना कंपलसरी है, उसके बाद हम 1-1 ऑन टू बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार और, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत दुआ लगेगी, अच्छे नंबर आएंगे, पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। अब आइए क्वेश्चन आते हैं, जो कि 4 मार्कर है 2018 का। इसमें क्या है कि एक फंक्शन डिफाइंड है एफ, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देते हैं, एफ डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, हाँ रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमें सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीदर वन वन नॉर ऑन टू, तो न तो ये 1-1 है न तो ऑन टू है, तो हमें इसे शो करना है। तो देखिए फॉर 1-1 आइए शो करते हैं, फॉर 1-1 देखिए 1-1 के लिए क्या ले लीजिए कि x1 को हमने मान लिया। देखिए 1-1 के लिए हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले हमें दिखाना क्या है, अगर दो इमेज इक्वल है तो उनके वो एलिमेंट इक्वल होंगे, या फिर दो एलिमेंट इक्वल है तो उनके इमेज इक्वल होने वाले हैं, अगर दो इमेज डिस्टिंक्ट है तो एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे, अगर दो इमेज डिस्टिंक्ट है तो उनके इमेज अगर दो इमेज डिस्टिंक्ट है तो एलिमेंट भी डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर दो एलिमेंट अगर डिस्टिंक्ट है तो उनके इमेज भी डिस्टिंक्ट ही होने वाले हैं। तो आइए फॉर 1-1 लेट x1 इज इक्वल टू, चलिए 3 ले लिया, और x2 इज इक्वल टू 1/3 ले लिया, जो यहाँ नंबर लेंगे उसका रेसिप्रोकल यहाँ ले लीजिएगा, अगर यहाँ 4 ले रहे हैं तो यहाँ 1/4 ले लीजिएगा, अगर यहाँ a ले रहे हैं तो यहाँ 1/a ले लीजिएगा, ठीक है। अब पुट कीजिए, तो देखिए लिखेंगे x1 इज नॉट इक्वल टू x2, जब भी देखिए 1-1 का केस पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था कि एफ ऑफ एक्स वन इफ़ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो ये जो कंडीशन आता है ना इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2, या तो इससे लेकर इसको दिखाइए या तो इससे लेकर इसको दिखा दीजिए, दोनों होगा दोनों से 1-1 हम दिखा सकते हैं। तो हम पहले हम इससे चल रहे हैं,
ठीक है, तो एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू बट एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू एफ ऑफ वन बाई थ्री। अब कहेंगे कैसे, वैल्यू रखिए, आइए देखते हैं। जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू कितना होगा, थ्री अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई थ्री अपॉन वन बाई थ्री का स्क्वायर प्लस वन। देखिए ये कितना हो जाएगा, थ्री, ये होगा थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस वन टेन, तो यहाँ से जाएगा थ्री बाई टेन इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ गया वन बाई थ्री अपॉन वन बाई थ्री का स्क्वायर वन बाई नाइन। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो पहले एक बार पहले वन बाई नाइन लिख देते हैं प्लस वन, बाद में एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा वन बाई थ्री, एलसीएम कितना आ जाएगा नाइन, तो यहाँ हो जाएगा वन प्लस नाइन, और ये क्या होगा डिनोमिनेटर का, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर होता है तो न्यूमिनेटर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा थ्री बाई टेन इज इक्वल टू चला गया न्यूमिनेटर में नाइन, अब ये था डिनोमिनेटर में थ्री, और यहाँ भी नाइन प्लस वन टेन हो गया, ये भी डिनोमिनेटर में, तो देखिए थ्री बन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, तो थ्री बाई टेन। तो देख लिया यहाँ पर एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू बट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया था। ठीक है, तो कितना आ गया थ्री बाई टेन इज इक्वल टू थ्री बाई टेन, तो यानी क्या हो गया देयर फोर एफ इज नॉट वन वन। दो एलिमेंट डिफरेंट थे लेकिन उन दोनों के इमेज सेम आ गए, दो एलिमेंट डिफरेंट थे लेकिन दोनों के इमेज सेम आ गए, देयर फोर एफ इज नॉट वन वन। नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद बात कर लेते हैं ऑन टू की। ठीक है, नोट डाउन हो गया, अब आइए बात कर लेते हैं ऑन टू की। और हाँ, ये पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में आपको अटैच कर दिया गया है, वहाँ के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक भी गिवन है, उसमें ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए ऑन टू के लिए, तो नोट डाउन कर लिया होगा आप तक। देखिए फॉर ऑन टू, देखिए तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एफ ऑफ एक्स क्या होता है वाई, तो हमने वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए एक्स और ये वाई, एक्स यहाँ से बिलोंग करेगा, वाई यहाँ से बिलोंग करेगा, तभी ना हम इस पर एफ ऑपरेट करेंगे, एक्स पर तो हमें क्या मिलता है वाई मिलता है। तो अब अभी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, लेकिन हमें ऐसा लेना है कि हम दिखा सके, तो हम क्या ले लेते हैं y की वैल्यू वन ले लिया, y इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पर, तो वन इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा कि y इज इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू वन। हमें बस ये दिखा देना है कि इधर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर हमने सिंगल एलिमेंट भी दिखा दिया इधर, इधर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में नॉट ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, मच्छर बहुत काट रहे हैं, तो थोड़ा सा इसी नाम पर कम से कम लाइक कर दीजिए कि देखिए आप लोग से मच्छर कटवा के भी वीडियो बना रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब एक्स उधर अच्छा नहीं लग रहा है, उसको भी लेफ्ट हैंड साइड लाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। देखिए देख, कुछ लोगों को यही से आंसर मिल गया होगा, कुछ लोगों को यही से आंसर दिख गया होगा, कुछ लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ लोगों को आंसर यही मिल गया। अब देखिए इसका क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ गया तो इसका मतलब इधर जितने भी एलिमेंट होंगे सबका प्री इमेज होगा, लेकिन अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आ गया तो इसका मतलब नो रियल वैल्यू, इसके लिए कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वन का कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डी इज इक्वल टू, चलिए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी होता है फॉर्मूला, तो यहाँ से बी, बी की वैल्यू कितना, माइनस का वन, तो माइनस का वन का स्क्वायर माइनस फोर अपनी जगह, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू वन, यहाँ से तो देखिए कितना आ गया वन माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री विच इज लेस देन जीरो। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया डी लेस देन जीरो, तो देखेंगे देयर फोर नो रियल वैल्यू एग्जिस्ट, यहाँ से कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो देखिए लिखेंगे वन बिलोंग्स टू, वन बिलोंग्स टू, वन बिलोंग्स टू रियल नंबर जो कहाँ का है, रेंज सेट का है, ये कहाँ का है, रेंज सेट का, वन तो इसमें बिलोंग कर रहा है, बट नो सच एक्स
बिलोंग्स टू, नो सच एक्स बिलोंग्स टू, ये भी रियल नंबर, और लेकिन कहाँ का है, डोमेन का, कहाँ का डोमेन का, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। तो हमें एक कोई ऐसा एक्स नहीं मिलेगा, कोई एक ऐसा एक्स नहीं मिलेगा, या फिर वन के लिए कोई एक प्री इमेज नहीं मिलने वाला है, वन के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं मिलने वाला है। देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है, हो गया, नोट डन कर लीजिए। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, नोट डाउन हो गया, आइए। बहुत मेहनत लगा है पीडीएफ को बनाने में, मेहनत को मोटिवेट करना है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। देखिए हमारे पास दो सेट गिवन है, एक सेट ए गिवन है, अब पहले ए आया हुआ है 2012 में आया, फोर मार्कर क्वेश्चन है भी है, फोर मार्कर, ठीक है। एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें क्या है, रियल नंबर में से थ्री निकाल लिया है, और एक सेट दिया है बी, जिसमें रियल नंबर में से, रियल नंबर से टू निकाल दिया है, ठीक है। सेटअप पूरा रियल नंबर, लेकिन इस रियल नंबर में थ्री नहीं, इस रियल नंबर में टू नहीं है, और यहाँ पर हमें एक फंक्शन डिफाइंड किया है, फंक्शन एफ डिफाइंड फॉर रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, देन सो द एफ इज अ बाइजेक्टिव। अब देखिए इसमें बाइजेक्टिव बोल दिया, इसमें क्या बोल दिया, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव किसे बोलते हैं, जो फंक्शन इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होता है उसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। इंजेक्टिव मतलब वन वन, सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू, जो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों होता है उसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। सिर्फ हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस क्लास, जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांसिटिव तीनों होता है उसे हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं, वैसे ही जो फंक्शन इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, इसका मतलब वन वन एंड ऑन टू होता है, उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। तो आइए फॉर वन वन, देखिए अगर सो इसको शो करना तो सीधे क्या लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। देखिए इसमें दिखाना ही दिखाना है, तो दिखाना ही दिखाना है तो हम ऐसे लेके चल देंगे, अगर चेक करना होगा तो काउंटर एग्जांपल लेके चलते हैं, तो अभी हमें दिखाना है इसलिए हम ऐसे चल रहे हैं, अगर नहीं शो करना होता, चेक करना होता तो हम एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए इमेज इक्वल आए, एलिमेंट डिफरेंट आए, या फिर एलिमेंट से मैं इमेज डिफरेंट आ जाए, लेकिन यहाँ हमें शो करना है, तो जब भी शो करना होगा आपको ऐसे लेके चलना है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो रख दीजिए। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री है, तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक्स वन इंटू एक्स टू, एक्स वन एक्स टू, एक्स वन माइनस थ्री तो माइनस का थ्री एक्स वन, माइनस एक्स माइनस टू इंटू एक्स टू तो माइनस का टू एक्स टू, माइनस टू माइनस थ्री माइनस का सिक्स, ठीक है। अब इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, एक्स वन इंटू एक्स टू, फिर एक्स वन का मल्टीप्लाई माइनस टू में, माइनस टू एक्स वन, फिर अब ये तो मैं एक्स वन खत्म, अब चलते हैं थ्री पर, माइनस थ्री इंटू एक्स एक्स टू तो माइनस का थ्री एक्स टू, माइनस थ्री इंटू माइनस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सिक्स, सॉरी यहाँ भी प्लस हो जाएगा सिक्स, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, देखते हैं क्या कट रहा है क्या क्या बज रहा है, तो इनका साइन सेम है, साइन सेम है, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम सिक्स सिक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक्स वन को एक्स वन के पास भेज दीजिए, एक्स टू को एक्स टू के पास, तो देखिए यहाँ पर थ्री एक्स वन निगेटिव उसको उधर भेज दीजिए, बच के आ जाएगा यहाँ से टू माइनस का टू एक्स टू बचेगा, और एक्स टू इधर वाले एक्स टू को इधर ला दीजिए, तो माइनस का थ्री एक्स टू है इधर आएगा, तो प्लस का टू एक्स टू प्लस का थ्री एक्स टू हो जाएगा, तो प्लस का थ्री एक्स टू इज इक्वल टू इधर कितना बचा है, माइनस का टू एक्स वन। अब ए उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री एक्स वन, तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, टू में से माइनस टू प्लस थ्री कितना हो जाएगा, एक्स टू आ जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, माइनस टू प्लस थ्री यहाँ भी एक्स वन आ गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। हम लेके क्या चले थे, दोनों इमेज बराबर, इमेज बराबर लेके चले थे, एलिमेंट बराबर आ गया, देयरफॉर
एफ इज 1 1, तो एफ क्या हो गया 1 1 हो गया। अब आइए लगे हाथ ऑन टू भी दिखाई देते हैं, इतना स्पेस है इतने में ऑन टू हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा तो इरेज कर देंगे वो अलग बात है। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना गिवेन है, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, इसी एक्स को वाई ले लिया, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अभी वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स है, अभी क्या है वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, अब हमें क्या बनाना है एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई। आइए कैसे बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा वाई एक्स माइनस का थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस का टू, थ्री वाले वाई वाले टर्म को उधर भेजिए एक्स वाले टर्म को इधर लाइए, तो यहाँ कितना हो जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स पॉजिटिव इधर आया नेगेटिव इज इक्वल टू ए नेगेटिव उधर गया पॉजिटिव, तो थ्री वाई हो जाएगा और माइनस का टू। अब दोनों में से यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है एक्स, तो एक्स को कॉमन ले लीजिए एक्स या वाई माइनस वन हो गया इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाले तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। अब देखिए एक्स की वैल्यू आ गई, अब एक्स की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए, तो आइए हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं, ये तो हो ही गया होगा आप लोगों का, तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो देखिए क्या मिलेगा भाई हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू जहां जहां एक्स हो उसकी जगह हमें इतना लिख देना है, तो ये कितना हो जाएगा थ्री y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस का टू अपॉन, फिर x नीचे आया तो लिख दिया थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस का थ्री। अब एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा y माइनस वन, यहाँ कितना हो जाएगा थ्री वाई माइनस टू, माइनस टू इंटू वाई माइनस टू वाई माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू होल अपॉन, यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा वाई माइनस वन, ठीक है, तो थ्री वाई माइनस टू माइनस थ्री इंटू वाई माइनस थ्री वाई माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री माइनस वन प्लस थ्री। तो देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बच रहा है, ये तो कैंसिल आउट कर दिया इसको, अब देखिए प्लस टू माइनस टू कैंसिल आउट, ऊपर कितना बच गया न्यूमरेटर में थ्री वाई माइनस टू वाई वाई, अब देखिए डिनोमिनेटर में थ्री वाई कैंसिल आउट माइनस टू प्लस थ्री आ गया वन, तो यहाँ से कितना मिल गया हमें, यहाँ से हमें मिल गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफोर एफ इज ऑन टू। तो एफ हमारे पास क्या है मिल गया, इंजेक्टिव मिल गया, सब्जेक्टिव मिल गया, देयरफोर एफ इज बाइजेक्टिव, तो यहाँ से एफ इज बाइजेक्टिव हो गया। तो आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वन शॉर्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरीके का कंटेंट अच्छा लग रहा है, कि आप इसी तरीके का वीडियो चाहते हैं या फिर कुछ और चाहते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।